हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बैक नेक डिजाइन शेयर करने जा रही हूं, जो कि बोट नेक के अकॉर्डिंग है। और यहां पे देखिए, ये मेन फैब्रिक को मैंने लिया है और ये अस्तर की फैब्रिक है। तो ये देखिए कॉटन का अस्तर है और इसे हमें दो फोल्ड में इस तरीके से लगा लेना है। और यहाँ से हमें देखिए एक लाइन को ड्रॉ करते हुए सबसे पहले आप कपड़े को सीधा कर लें। और हमें तैयार लेंथ देखिए 15 इंच रखना है, तो इसमें 1 इंच हमें प्लस करके 16 इंच पे मैंने निशान लगाया। तो जितना भी आपको तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। और यहाँ से हमें शोल्डर 7.5 इंच लेना है और आर्मोस भी हमें 7.5 इंच रखना है। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हमें आर्मोस और शोल्डर यहाँ पर 7.5 इंच ही लेना है। और इस तरीके से आप लाइन को मिला लें और 1 इंच की आप यहाँ से गुलाई लगा लें। कुछ इस तरीके से आप 1 इंच की गुलाई लगा लें। और अब हमें देखिए यहाँ पर नेक लाइन को पैटर्न को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हमें देखिए सबसे पहले नेक की ब्रिथ लेनी है 3.5 इंच, और नीचे से भी हमें देखिए नेक की ब्रिथ 3.5 इंच रखनी है। तो यहाँ से आप 3.5 से 4 इंच नेक की ब्रिथ और लेंथ दोनों ही रख सकते हैं। और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से गोलाई लगा लेंगे। और देखिए अब नीचे से हमें जो नेक डिजाइन तैयार करना है उसके लिए सबसे पहले हमें 4 इंच नीचे से इसकी चौड़ाई छोड़ देनी है। और इसके बाद हमें देखिए 3.5 इंच की यहाँ पे वृत्त लेनी है इसकी, और ऊपर से हमें देखिए 1.5 से 2 इंच की दूरी यहाँ से रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की दूरी रखी है और इस तरीके से हमें नेक के डिजाइन को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आप डॉट्स बनाते हुए पहले तैयार करें। और अब हमें देखिए क्या करना है, चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका हमें फोर्थ पार्ट लेना है, 9.5 इंच रहेगा। और इसमें 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन को लिया है। और नीचे से हमें देखिए यहाँ पे 8 इंच हमें यहाँ पर रखना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, जो कि बैक पार्ट्स में प्लेट्स लगाने के लिए रहेगा। और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को कर लेना है। नीचे से भी हमें कपड़े को सीधा करके कट कर लेना है। तो ये देखिए ये अस्तर पर मैंने इसकी कटिंग को कर लिया है। और अब हमें देखिए क्या करना है, इस पर मेन फैब्रिक के साथ भी इस पर कट रख कर कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। कुछ इस तरीके से आप कट कर लें। और अब हमें देखिए इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ से हमें देखिए सबसे पहले अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है। इस तरीके से आप ऊपर की ओर रख लें और एक सिलाई से इसे नीचे से कंप्लीट करें। आप चाहे तो कमर पट्टी की तरह से भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पलटने वाला इसे तैयार कर रही हूँ, इसलिए इसे मैं डायरेक्ट जोड़ रही हूँ। और अब हमें देखिए क्या करना है, इसको पलटते हुए एक तरह से और यहाँ से आप एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लें। तो ये हमारी अस्तर पे फिनिशिंग की सिलाई रहेगी। कुछ इस तरीके से आप सिलाई लगा लें। इससे आप जब पलटेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए अब मैं इसे पलट रही हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने इसे पलट लिया है। और इसे आप देखिए इस तरीके से हाथों से पहले सेट कर लें और फिर हमें इसके चारों ही और सिलाई से इसे कंप्लीट करना है। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट सिलाई लगाने में प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस जगह पर पिन से पहले इसे अटैच कर लें, उसके बाद आप सिलाई से इसे कंप्लीट करें। तो इस तरीके से देखिए हमें हाथों से बिल्कुल सेट करते हुए हमें सिलाई लगाना है, ताकि कोई भी सिलवट या इसमें क्रश ना बने। और अब हमें देखिए इसके चारों ही ओर इस तरीके से सिलाई से इसे अटैच कर लेंगे। तो ये सिलाई से देखिए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हुए निकाल लेंगे। तो जितना भी बाहर की ओर से एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें देखिए इस तरीके से कट कर लेना है और एक फिनिशिंग के साथ इसे हमें कटिंग करनी है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इसे कट करके। और अब हमें देखिए क्या करना है, इसे दो फोल्ड लगाते हुए हमें यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसमें छोटा सा कट्स लगा लेंगे, जो कि इसका सेंटर पॉइंट रहेगा। अब हमें देखिए नेक की फिनिशिंग देने के लिए पेपर पेस्टिंग का हमें इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो इसमें बॉक्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए नेक की ब्रिथ ली हुई है 3.5 इंच, और यहाँ से भी हमें इसकी लेंथ भी 3.5 इंच रखी है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा गोलाई इसमें और लगाई है। और अब हमें देखिए नीचे से भी नेक के डिजाइन को तैयार करना है, जो कि हमें 7.5 इंच पर इसकी लंबाई रखनी है। और यहाँ से हमें इसकी चौड़ाई देखिए 3.5 से 4 इंच आप लें।
तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच रखी हुई है और इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, इससे नेक की फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ से 3.5 इंच से 4 इंच ही रखें आप, और इस तरीके से आप ड्रॉ करते हुए देखिए नेक के पैटर्न को तैयार कर लें। और 1 इंच हमें और एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए यहाँ से लाइन को ड्रॉ करते हुए यहाँ पे दूसरा लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप नेक के पैटर्न को तैयार कर लें। नीचे से भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, 1.5 इंच आप और एक्स्ट्रा ले लें। और यहाँ से हमें देखिए क्या करना है, इस तरीके से आप पिन से पहले अटैच कर लें ताकि ये आगे पीछे ना हो। और अब हमें इसकी कटिंग को कर लेना है। तो सबसे पहले आप बाहर वाले लाइन को कटिंग करें और बाद में अंदर वाली लाइन को आप फिनिशिंग के साथ कट करें। तो इसे हमें बिल्कुल बराबर से कट करना होता है ताकि अच्छे से नेक की फिनिशिंग आए। और अब हमें देखिए इसी तरीके से दूसरे भी नेक के डिज़ाइन को कट कर लेना है। तो पेपर पेस्टिंग का हमें इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे नेक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी आपकी। तो आप डायरेक्ट कभी भी कपड़े पे और अस्तर से अटैच करके आप नेक के डिज़ाइन को ना तैयार करें। जब भी आपको नेक डिज़ाइन बनाना हो तो आप पेपर पेस्टिंग का ही इस्तेमाल करें। और यहाँ से हमें देखिए अंदर वाले लाइन को भी इस तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों ही मैंने कट कर लिया है। अब इसे एक्स्ट्रा कपड़े को आपको लेना है, तो यहाँ पे मैंने अस्तर वाले कपड़े को ही एक्स्ट्रा में लिया हुआ है। और इसे देखिए आप प्रेस की मदद से पहले सेट कर लें। और इसके बाद हमें देखिए यहाँ बाहर वाले साइड से हमें इसको कॉर्नर से बिल्कुल सिलाई से अटैच करना है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कॉर्नर में एक सिलाई से इसे अटैच कर लें अस्तर के साथ। और अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो जितना हमें फोल्ड करने के लिए रखना है बिल्कुल उतना ही हम कपड़ा यहाँ इस जगह पे रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो हाफ से 1 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़े को रखें, बाकी सारे कपड़े को कट कर लें। और इसमें हमें देखिए अब छोटा छोटा कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने के बाद हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों ही पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके कट्स लगा लें। तो नेक डिज़ाइन को तैयार करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। और अब हमें देखिए इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से एक सिलाई से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। आप जब छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और जहाँ पे आपको लगे कि ये फोल्ड नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से फिर एक कट्स लगा के इसे कंप्लीट करें। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई से इसे दोनों ही कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हमें देखिए कट कर लिया है। और इसमें अब हमें देखिए क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। ऊपर की ओर से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगे कि एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से कट कर लें और इसका हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। ब्लाउज पे भी आप देखिए इस तरीके से 2 फोल्ड लगा के आप इस पर मार्किंग कर लें, इसका सेंटर पॉइंट बना लें। और अब हमें देखिए इस तरीके से दोनों ही सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए पिन से इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पिन से इसे अटैच कर लें। और यहाँ से आप देखिए बिल्कुल कॉर्नर से हमें पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल कॉर्नर से हमें चिपकाते हुए इसे एक सिलाई से कंप्लीट करना है। ध्यान रहे आपका सिलाई पेपर पेस्टिंग पे ना जाए, नहीं तो आपको फोल्ड करने में फिर बहुत ही परेशानी आएगी। तो इस तरीके से देखिए अब हम पिन बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ से हमें देखिए नीचे से भी इसे सेट कर लेंगे। सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट निकाल लें। तो यहाँ से मार्किंग मैंने कर ली है और अब इसे हमें देखिए इस तरीके से सेट करना है। तो नीचे से अब हमें 1.5 से 2 इंच हमें वहाँ बीच में गैप रखना है और इसके बाद ही हमें सेट करना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सेट कर लिया है। और यहाँ से आप पिन से पहले अटैच कर लें
और 20 से एक रफली सिलाई से आप पहले अटैच कर लें, तो इससे आपका नेक बिल्कुल सेट रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। और यहाँ से देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से आप चिपकाते हुए एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर ले। तो इस तरह की नेक की फिनिशिंग आप बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी और बहुत ही नेक की फिनिशिंग आएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से इसे कट करना है। तो यहाँ से देखिए इस पिन को हमें बाहर निकाल लेना है और इसमें देखिए हाफ इंच सिलाई मार्जिन को रखते हुए इस तरीके से आप कट कर ले। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके बाहर कर लेंगे और इसमें हम अब देखिए क्या करना है, छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे। तो थोड़ा सा आप बारीक रूप से कट्स लगाएं ताकि ये पलटने में काफ़ी आसानी से पलट जाए। और अब हमें देखिए नीचे से भी इस तरीके से ही कट करना है, तो हाफ इंच आप रखते हुए यहाँ से कपड़े को कट कर लें। और इसमें भी हमें देखिए छोटा छोटा कट्स इस तरीके से लगा लेना है। कट्स लगा लेने के बाद हमें देखिए इसे इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें देखिए एक हमें एक पेयर मार्जिन रखते हुए यहाँ से एक सिलाई हमें कंप्लीट करना है। तो ये रहेगी हमारी फिनिशिंग की सिलाई। तो दोनों को ही हमें इसी तरीके से नेक को अंदर की ओर पलटते हुए हमें यहाँ से एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमें देखिए यहाँ से आप इसके ऊपर लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर यहाँ पे आप पाइपिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों को ही मैंने फोल्ड करके इस तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरीके से आप फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। और अब हमें देखिए यहाँ से पाइपिंग को तैयार करना है। तो यहाँ पे हमें गोल्डन कलर की फैब्रिक को लिया है, बिल्कुल उरेब पट्टी है ये, और एक तरह से मैंने इसे फोल्ड करके एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें देखिए इस तरीके से पाइपिंग को सेट करना है। तो यहाँ पे 1 प्रेशर फुट का आप इस्तेमाल करें और यहाँ से हमें इस तरीके से देखिए सेट करते हुए दूसरे साइड से आप फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई से इसे कम्प्लीट कर लें। तो इस तरीके से मैंने पतली पाइपिंग तैयार कर ली है और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से पाइपिंग को सेट करना है। तो सीधा और उल्टा को आप ध्यान में रखते हुए इसे सेट करें, बिल्कुल आप अच्छे से कॉर्नर से सेट करते हुए एक सिलाई से इसे कंप्लीट करें। और आप चाहे तो इसमें लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पाइपिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरीके से हमें दोनों ही नेक पर अच्छे से पाइपिंग को सेट करके सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो इस तरीके से देखिए मैंने पाइपिंग को सेट कर लिया है। पाइपिंग को सेट कर लेने के बाद हमें इसके बाद यहाँ से हमें देखिए इसकी प्लेट्स बनानी है। तो बैक साइड प्लेट्स बनाने के लिए हमें इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए यहाँ से 4.5 इंच की आप लंबाई रखें और 5 इंच की आप यहाँ पर से चौड़ाई इसकी रखें और यहाँ से हमें देखिए दोनों ही साइड इस तरीके से प्लेट्स बना लेना है। तो इस तरीके से नेक डिज़ाइन को मैंने तैयार कर लिया है और साथ में ही हमें देखिए एक बो बना के रेडी करके रखी हुई थी और इसे हमें यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर आपको बो की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसकी बहुत ही अच्छी लुकिंग आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यह डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।